मिशन पे लगी हुई है और बिजली का मिशन हम नहीं समझ सकते। अंडा कोयला कड़ाही कैसे बनती है, यहाँ पे आते थैंक यू बिजली। तैयारी कर आजकल बिजली ना बड़ी एक्टिव हुई है, मैं बिजली को दो काम बोल के गई थी आजकल नहीं कल से, कल मेरी क्लास हुई इसलिए आ जाएगा वो। बिजली कोयला जरा प्लीज दम पे रख देना। और पांच अंडे मुझे सिर्फ दिखाई दे रहे थे, पांच छह अंडे तो मैंने कहा वो तो एटलीस्ट उबाल दो, बाकी के मैं बात जाकर करती हूं। पांच अंडे में आप उबाल लिए, बाकी अंडे तुम लेकर आ गई हो। टमाटर हमने बहुत भूख ये भी बिजली ने करके रखा हुआ है। अच्छा टमाटरों को बिजली ने एक बात ये हम आपने मुझसे ये क्यों कहा था कि इसका छिलका ना उतारना ऐसे पकाना, छिलके के बगैर क्यों नहीं पका सकते भाई, छिलका उतार के भी पकाते टमाटर इसमें इसमें एक किलो टमाटर, एक किलो पांच छह टमाटर, एक किलो टमाटर। और इसलिए क्योंकि जब कढ़ाई बनती है ना तो कढ़ाई बनाने का एक अपना स्टाइल होता है। अगर आप कढ़ाई को हल्की आंच में ऐसे ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल ना मजा आएगा ना लज्जत आएगी, नहीं ऐसे नहीं बनाना। सो आपने टमाटर को क्या करना है, जो कि मैंने बिजली को कहा था कि टमाटर लो उसको, एक टमाटर को चार हिस्सों में डिवाइड कर दो मीडियम साइज का, और उसके बाद उसको थोड़े से तेल के साथ पकाओ, उसका कच्चापन खत्म कर दो। तो अनुषे जब ये बिल्कुल गल जाएंगे ना हल्के हल्के से मुंह में आएंगे और ज्यादा टमाटर का पेस्ट आएगा और कहीं कहीं छिलका बिल्कुल पतला सा होकर वो साइड पे हो जाएगा। लेकिन ये छिलका तो हजम ही नहीं होता है बिजली। अच्छा ये कहा छिलका बीज, हाँ अगर वो कोई बहुत मेडिकल इशू हो, किडनी स्टोन हो, ऐसे किस्म का स्टोन हो, क्योंकि देखो स्टोन कैल्शियम के भी होते हैं, स्टोन जो है वो पोटेशियम के भी होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। स्टोन क्या होता है, रगड़ेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये हम रगड़ेंगे क्या मतलब ये कपड़े के उसको रगड़ के धो, मतलब ये कहने का मतलब कहते हैं ऐसे ही बनाना था नहीं बाजी की आसान कौन बाजी, आयशा हमारी बड़ी अच्छा पकाती है, अच्छा पता है मैं कर ही रही और आप भी सीखे। हाँ इनको उस दिन मैं ना वो ना वो लौकी बाजी आप नहीं थी ना, मैंने लौकी का रायता पकाया था, इन्होंने अल्लाह तौबा जैसे मैंने हमारी बिजली जब ज्यादा काम करती है ना, टमाटर भी उबाल के रखती है, अंडे भी उबाल के रखती है, तो बिजली थोड़ी ज्यादा करती ना तो उसके हाल हो जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से बंदर देखा वो यूं कर रहा। अच्छा फिर क्या किया हमने, पांच छह टमाटर मैं बता रही हूं। अच्छा टमाटर अलग से मैं गला रही हूं और ये जो कढ़ाई है बनती बड़ी जल्दी है, क्योंकि टमाटर हम अलग से गला रहे हैं, ठीक है। साथ में हम तकरीबन इसमें चार से पांच चमचे ऑयल में इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन चॉप्ड। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कढ़ाई बनाएं और आपको ढाबे वाली कढ़ाई खाने का दिल चाहे, विच इज लाइक द ओरिजिनल कढ़ाई, कभी भी उसमें प्याज शामिल नहीं करें। अच्छा क्योंकि हम अनुषे क्या करते हैं कि हम मसाला बढ़ाने के चक्कर में हम प्याज भी शामिल करते हैं, फिर हम भर के दही भी शामिल करते हैं, उससे क्या होता है कि टमाटर की जो लज्जत होती है ना जो कढ़ाई में खिलानी चाहिए वो कहीं गायब हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ ढाबे वाले टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो ढाबा पर्टिकुलर जो टेस्ट आता है वो क्या उनके किसी कोयले से या तेल से, बिल्कुल, या उनका कोई फॉर्मूला होता है जो हर चीज़ में डाल देते हैं, आपको पता होता है ये ढाबे की है। ढाबे की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है खासतौर पर कढ़ाई के लिए वो ये है कि उनकी कढ़ाई वो कढ़ाई में ही बनाते हैं। अब हम देखें हम बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसमें खाना चिपकेगा ही नहीं, जब वो चिपकेगा ही नहीं तो उसके भुनने की वो लज्जत नहीं आएगी। तो अगर आपके घर में कढ़ाई है जिससे मैं आजकल काम कर रही हूँ, मेरे को जानने वाला गया हुआ है गुजरा वाला, वहाँ से मैंने मंगवाई कढ़ाई, मैं भी जानने वाला, जानने वाला है ना, वो जानने वाला ही हमारा कह रहा है नंबर एक। ठीक है तो यहाँ पे लहसुन जो है वो हो रहा है गोल्डन ब्राउन, टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, सारे मसाले ऐड करूंगी मगर ब्रेक के बाद। ठीक है जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आज देखते हैं भाई कुछ एक दो लड़कों को भी बुलाते हैं, बात करते हैं मर्दों के हकों के। हां बिल्कुल हम आज जो जानने वाला है ना शेखोपुरा बैठा हुआ, ब्रेक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं आयशा को बिजली को बता रही थी कि मैं बाज़ोकात कहीं कहीं गई हूँ लोगों के घर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें कढ़ाई बनाई है टमाटर बगैर, और ये मेरे समझ के बाहर है कि टमाटर बगैर कढ़ाई, वाइट कढ़ाई बन सकती है टमाटर के बगैर, लेकिन उसके अलावा बिलीव नहीं कोई कढ़ाई टमाटर के बगैर नहीं बन सकती। फिर आप उसको भुना हुआ गोश्त या कुछ और नाम दे सकते हैं। टमाटर को भुना तो है लेकिन उसको कुछ ऐड भी किया थोड़ा सा। टमाटर में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसलिए ऐड की थी कि होता क्या है अनुषा कि जब आप कोई भी लाल मिर्चें चाहे कुटी हो पिसी हो ऐड करते हैं ना, उसके बाद कम से कम मैं ये कहती हूँ देसी हमारे खाने को 20 मिनट पकाना चाहिए ताकि मिर्च का कच्चापन खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर 20 मिनट पकने से तो फिर अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल में ऐड करें, वो मिर्चें फौरन पक जाएंगी, कच्चापन नहीं आएगा, लोग खांसेंगे छींकेंगे बट दैट्स ओके, आपका खाना पक जाएगा, सही है। सो यहाँ पे आज मैंने कर दी तेल, ठीक है। टमाटरों में मैंने नमक ऐड कर दिया हल्दी जायका, अगर ढाबे वाला फ्लेवर आप रखना चाहती हैं तो नमक थोड़ा कम रखेंगे, बिकॉज़ ये हमेशा आप नोट करेंगे ढाबे वाली कढ़ाई में नमक कम होता है। साथ में हमने दही ऐड कर दिया, जब आप इसमें दही शामिल करेंगे तो इसकी शक्ल थोड़ी सी बुरी हो जाएगी, लेकिन जितना भूनेंगे उतना वो लाल दोबारा से दोबारा होता रहेगा, फिर शक्ल वापस वापस आ जाएगी। हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको कूट के भी ऐड कर सकते हैं, और इससे थोड़ा सा जो ब्लैकिश कलर आएगा ना वो बेसिकली कढ़ाई वाला इसका कलर आ, ठीक है। एक और भी हमारे लिए कराची से जल्दी से एक और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो लारेब, नो प्रॉब्लम, लाइन ड्रॉप हो गई है, ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा। आज हम ज़रा बात कर रहे हैं कि हमारे मर्द हज़रात पे क्या कुछ गुजर, मतलब
उनको मैं बाहर मोटरसाइकिल पे कभी कभी देखती हूँ, तो मुझे एक आम पाकिस्तानी मर्द को देख के भी बुरा लगता है कि इसकी जिंदगी अगर दो सेकंड के लिए उसको देखें तो गौर करें कि सुबह से रात तक इनकी जिंदगी कैसी होगी, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, घर में शायद दो बीवियाँ होंगी, एक माँ होगी, छः बच्चे होंगे, नौकरी में बहुत तंग कर रहे होंगे, तनख्वाह कम होगी, हो सकता है मे बी, उसके बावजूद अगर वो स्माइल कर रहे हैं, टेंशन बहुत है इस मौत में, तो हमारे मर्दों को ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। औरतें कहते रहती हैं कि हमारे साथ हो रहा है। बाजी जी, हम दूसरे मर्दों की क्यों बात करें, हम अपने घर के मर्द की बात ना करें, हमारे जो अब्बा हैं, हमारे अब्बा भी तो घर से निकलते हैं, काम करते हैं, हम लोगों की सारी कि वो जब निकलते तो ये सोचते मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन के भी पैसे देने हैं, फिर उसके स्कूल के भी पैसे देने हैं, फिर उसके वो आज जाते मौलवी साहब उनके पैसे देने, फिर घर का खर्चा चलाना है, बच्चे की बच्चा जाता है, अब्बा अब्बा मुझे ये चीज़ खानी है, उसके बाप के पास पैसे नहीं होते, पैसों का भी होता है। और मुझे लगता है जैसे हम एक दो दिन पहले बात करते लोन के कपड़े फॉर एग्जाम्पल, कि बीवी ने तो फरमाइश कर दी बगैर ये देखे कि किराया वो कितना दे रहे हैं, बिजली का खर्चा कितना दे रही है, तो काफी सारे मर्दों को मैंने देखा है जो इधर उधर से उधार कर पकड़ती हैं और फिर अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करते हैं, तो आई थिंक वाकई प्रेशर तो है। ये तो है, और मैं तो भाई मर्दों के साथ हूं, क्योंकि जो है ना मैं खुद एक मर्द की तरह जिंदगी गुजारती हूँ, मैं खुद इस तरह मर्दों की तरह काम करती हूँ, आप नहीं देखती क्या हो गया, मैं इतने लोगों का कारों का काम क्या डाला, मेरी बात का कोई वो है ही नहीं, क्या कहता वो, क्या कहते हो अभी बिजली, मर्दों के साथ नहीं खड़ी हुई, औरतों के साथ खड़ी हुई, और औरतें जब बोलती हैं तो कोई शुक्र है उन्होंने अपने मुंह से कहा, औरत अपने आप को ऐसे लड़की कहती है, मैं तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, शुक्र है मैंने इसमें कूट की ऐड किया है, पेस्ट ऐड नहीं करना, कूट की ऐड करना है और हरी मिर्ची सिर्फ एक एक कट लगा के आपने शामिल करनी है ताकि उसकी मजे की महक आए। और अब ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है अनुषे, क्योंकि इस वक्त जो मैं इसमें चीजें ऐड कर रही हूँ ना, उससे आएगा इसका बेसिक फ्लेवर। चार अदद मैंने हरी मिर्ची महक के लिए ऐड कर दी, अंडों को हमने यहाँ पे उबाल के रखा हुआ था और ऑयल में थोड़ा सा मैंने उसको फेंका है कि बाजी महक वो पड़ोसन वाली उसको आपने इसमें डाला, आप कह रही अच्छा बहुत बुरा जोक, साथ में इसमें मैं ऐड कर दूंगी भुना हुआ पिसा हुआ जीरा जो कि बेसिक फ्लेवर लाता है कढ़ाई का, यहाँ पे ये हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इट्स लुकिंग वेरी गुड, बहुत मजे की महक वाकई में आ रही है, ढाबा टाइप लग रहा है। अभी एक और महक आएगी जो कि कोयले की होगी, भुना हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया यानी ड्राई वाला जो धनिया होता है, कोयला हमारा यहाँ पे दहक चुका है, हमने एक फॉइल सा बना के रखा हुआ है, तो इसको हम क्या मतलब पाकिस्तानी डिश हुई है, एब्सोल्युटली पाकिस्तानी हर एंगल से बिल्कुल। अच्छा, कोयला जितनी ज़्यादा देर आप दहकाएंगे ना उतना अच्छा है, ये थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ से सफ़ेद हुआ है वहाँ वहाँ से हम कहते हैं कि सही से दहका है, अगर आप कच्चे कोयले पे ये ऑयल ऐड करके इसको दम लगाएंगे तो कभी भी ये महक नहीं आएगी जो कि अब आएगी पके हुए कोयले की। ठीक है, कितनी देर तक हम कोयले को थोड़ा बहुत पका लें? और अच्छा, कोयले को पकाने के लिए अनुषे 20 मिनट रिक्वायर्ड है कि वो बिल्कुल टूटने वाला हो जाए और सफ़ेद हो जाए, लेकिन दम के लिए सिर्फ एक मिनट भी काफी है, अगर आप इस वक्त सिर्फ एक मिनट के लिए दम लगाएंगे दैट्स इनफ। मैंने इसका फ्लेम ऑफ नहीं किया ताकि हल्का सा नीचे से लगे, जब वो लगेगी जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा चिपकना तो वो बड़े आई लव इट। खानों की भी क्या बात है, और एक बार फिर जो हमने कहा था कि कभी कभी हमारे मर्द हजरात ही बेहतर खाना बनाते हैं, घर में औरतें बनाती हैं लेकिन बाहर की दुनिया में जी जो घर में भी मर्द पकाते हैं ना वो भी बड़ा स्वाद होता है, उसके बाद जो किचन का हाल होता है। औरतों के हकूक के हवाले से बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में मर्दों के हकूक के हवाले से कम बातें होती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, मर्दों के हकूक के बारे में बहुत बातें होती हैं। होती हैं? अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप पाकिस्तान में मर्दों के हवाले से बदलता देखना चाहेंगे कि हमारे लिए ये भी होना चाहिए, ये सहूलियत, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने मर्दों के लिए करनी चाहिए? मेरे ख्याल में मर्दों को जो है ना आजकल औरतें हर काम में औरतें ही आगे हैं, मर्दों को भी आगे आना चाहिए। जबरदस्त, चलें अगर आप ये बात समझते तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, और घर के बिल जो है वो औरतों को भी पे करने चाहिए? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आज हम बात कर रहे हैं वो मर्दों के हकूक के हवाले से ही है, मेंस राइट्स, जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की। पास से पता करते हैं कि हमारा कानून भी अगर कुछ कहता है नहीं कहता, और मेंस डे के मार्चेस क्यों नहीं होते? हाँ, मर्दों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मर्दों पे हमारे साथ नाइंसाफी एक्चुअली। कितना अच्छा लग रहा है इस बात।